नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। योग आध्यात्म है, अनुशासन है, विज्ञान है, मन मस्तिष्क और शरीर का सामंजस्य है। योग की जड़ें हमारी प्राचीन परंपरा और संस्कृति में है और आज केवल हम भारतीय इस बात को नहीं मानते, पूरी दुनिया मानती है। 21 जून को होने वाले योग दिवस के वैश्विक उत्सव में शामिल होने के लिए सभी उत्साहित हैं। भारत में हर शहर तैयार हो रहा है योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए, ताकि दुनिया को स्वस्थ संसार का संदेश भेजा जा सके। वो जो करता है वही जानता है इसकी फ़ायदा क्या है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा जो वेट था 92 किलो था आज के 3 साल पहले, कमर के बल लेटेंगे सब। मैं 12 किलो वजन कम किया। बहुत लोगों की दिक्कतें ठीक हुई, रात की नींद की समस्या, सर्वाइकल, कमर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, सबसे बड़ी समस्या तो कॉन्स्टिपेशन, सर्वाइकल की समस्या हुई। लोगों को धीरे धीरे दूसरे दिन इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और दवाइयों से दूर होना भागना शुरू कर देता। योग से लाभ ही लाभ है। पहले जैसे हाथ, रात को सोते हुए हाथ सुन्न हो जाते थे, मोटापा बढ़ रहा था, प्लस जो आलस्य भर रहा था वो सब दूर हो जाता है योग से। जब हम योगा करते हैं, डॉक्टर जो है जब दवाई देता है उससे जो है बीमारी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन हम जब योगा करते हैं तो पूर्णतः हम उससे क्योर करते हैं, वो परमानेंट मतलब जड़ से खत्म हो जाता है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 170 से ज्यादा देशों के लोग तैयार हैं। मुल्क, मजहब, बोली, रिवाज की बंदिशें पीछे छूट चुकी हैं। आगे है योग, भारत का योग जो विश्व आंदोलन में बदल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत को दुनिया की जिस महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, योग उसका आधार है, जिसके माध्यम से योगाग्निमय स्वरूप शरीर जिसे प्राप्त होता है वहां न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। जीवन किस अमरता को प्रदान करने का यह मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 125 करोड़ लोगों के माध्यम से दुनिया को प्रदान किया है। योग सदियों से था, योग सदियों तक रहेगा, लेकिन वर्तमान में जिस रूप में दुनिया ने इसे स्वीकार किया है वो भारत की जय है, भारत की परंपराओं की विजय है। एक वक्त था जब योग हिमालय में गुफाओं में ऋषियों, मुनियों, मनीषियों का ही साधना का मार्ग हुआ करता था। युग बदलते गए, सदियां बीतती गई, आज योग घर घर का, जन जन का, उसके जीवन का हिस्सा बन रहा है। मौजूदा दौर में जब सारी दुनिया अहम के टकराव में सभ्यताओं के बीच बंटवारे की लकीर खींच रही है, ऐसे में भारत का योग सारी दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरे मुद्दों पर भले दुनिया में मतभेद हो, लेकिन योग के मामले में दुनिया के ज्यादातर देश एक परिवार बन चुके हैं। वासुदेव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति का हमेशा से हिस्सा थी, योग ने उसे हकीकत में बदला है। चौदह में संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 193 सदस्य देशों में 177 देशों ने इसके लिए स्वीकृति दी और 21 जून दुनिया के इतिहास में योग दिवस मनाने की तारीख बन गया। इस बार 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले की तैयारियां भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले आयोजन के समय से हर साल सबसे पहला काउंटडाउन खुद शुरू करते हैं। इस बार भी उन्होंने कई दिन पहले से ही योग दिवस के उत्सव को मनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार के मैदान में उतरते हैं तो जिस तरह से वो नवरात्र के दिनों में 9 दिन सिर्फ नींबू पानी पीकर अपनी प्रचार यात्रा जारी रखते हैं, वो सबको हैरान करती है। वो 24 घंटों में एक दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे सोते हैं। उनके सामने अक्सर ये सवाल आता है कि वो ये कैसे कर पाते हैं। योग क्या मिलेगा?
चिंता इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। हजारों साल पुरानी ये परंपरा है जो दी गई हमको तन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को मस्त रखने के लिए और आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए। ये योग है, व्यक्ति की जीवन शैली की और जीवन की बात है और सबकी बात है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दोबारा सरकार में लौटे तो प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस को और भी भव्यता से मनाने का निर्णय लिया। योग दिवस से 15 दिन पहले से उन्होंने ट्विटर के माध्यम से योग का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया ताकि 21 जून आते आते देश योग के रंग में रंग जाए। धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाए, सर को इतना झुकाए कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। प्रधानमंत्री मोदी 5 जून से रोज ट्विटर पर अपना एक एनिमेटेड वीडियो शेयर कर रहे हैं। हर वीडियो में एक नए आसन और उसे करने से सामान्य जीवन की ब्लड प्रेशर, पाचन, गठिया, मोटापा जैसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर रखने के टिप्स भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के वीडियोस में अब तक मुख्य रूप से वज्रासन, वक्रासन, अर्धचक्रासन, पादहस्त आसन, ताड़ासन, भद्रासन, उष्ट्रासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन समेत कई अन्य आसनों की जानकारी दी जा चुकी है। इंटरनल हीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश एयर में आते हैं, नवंबर से हमारी क्लासेस चल रही है, मुझे मेरी मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फर्क लगा है। जब हम योग के पाठशाला में आते हैं, योग का अर्थ क्या है? ईश्वर की स्थिति की उपासना, ईश्वर के साथ जुड़ना। योग दिवस में इस बार की थीम योग फॉर हार्ट रखी गई है ताकि एक बेहतर और स्वस्थ हृदय वाली दुनिया का निर्माण किया जा सके। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उसमें सम्मिलित हो, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक, हमारे जो नागरिक है देश के, वो सम्मिलित हो और लोगों में इस तरह की जागृति हो। हम योगा डे खाली हम एक जगह ही करके वो जागृति नहीं, तो योगा के पहले एक महीना पहले हर डिस्ट्रिक्ट में हमने योगा के लिए हर एक महीने की ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए सिखाते हैं ताकि योगा कंटिन्यूस साल भर वो चले, इसकी व्यवस्था हम करते हैं। योग के प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर बार योग दिवस पर नए शहर को चुनते हैं। पहले योग दिवस पर वो दिल्ली में थे, दूसरे पर देहरादून में, तीसरे पर चंडीगढ़ में और चौथे पर लखनऊ। पांचवें योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड की राजधानी रांची में होंगे। रांची प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम चरण में ले जा चुका है। ये झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड में उपस्थित होकर हम सबों के बीच योग कर पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करेंगे। झारखंड में इसी साल चुनाव है, साथ ही हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह इस बार हरियाणा के रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ योग दिवस मनाएंगे। अब एक तीर से अगर कई निशाने लग जाएं, तो सत्ता का राजयोग भी तो बन ही जाता है। अमेरिका, रूस, इटली, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ईरान, यहाँ तक कि पाकिस्तान, हर जगह हर तरफ योग की जयकार है। कहीं हजारों का ग्रुप एक साथ योग दिवस मनाएगा, कहीं छोटे छोटे समूह में लोग योग दिवस को मनाएंगे। एक बात स्पष्ट है कि भारत की पहल पर ही सही, लेकिन दुनिया एक बेहतर दुनिया की तरफ कुछ कदम तो बढ़ने की कोशिश कर ही रही है। मोदी ने सितंबर 2014 में योग दिवस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा था। भारत ने कहा था कि योग दिवस 21 जून को आयोजित किया जाए प्रतिवर्ष।
दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इसे स्वीकार कर लिया और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हो गया। लेकिन 21 जून ही क्यों, इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है। लोकसभा के अंतिम चरण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की कंदराओं में योग मुद्रा में बैठे तो आलोचकों ने इसे चुनावी स्टंट बताया। अंतिम दौर में प्रधानमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में भी वोटिंग थी। बहरहाल राजनीति एक तरफ है और पीएम का योग प्रेम एक तरफ। यही कारण है जब समूची दुनिया ने योग दिवस का प्रस्ताव एक सुर में स्वीकार किया तो उनके लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि थी। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक गणनाओं के हिसाब से 21 जून को सूर्य और दिनों के मुकाबले पहले उदय होता है और दिनों के मुकाबले सबसे बाद में अस्त होता है। इस तरह इसे सबसे लंबा दिन माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य का तेज सबसे तीव्र होता है जिसकी वजह से प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। हिंदू शास्त्रों में इस दिन को दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। योग तन और मन के बीच एक रिश्ता जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है जो स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। आध्यात्मिक पक्ष भारतीय संस्कृति का अंग हो सकता है लेकिन शेष दुनिया के लिए ये स्वस्थ रहने की एक परंपरा का पालन है। योग भारतीय ज्ञान की हजारों साल पुरानी जीवन पद्धति का हिस्सा है। भारतीय मनीषियों ने समय समय पर योग का ध्वज समस्त संसार में फहराया है। आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसी का बदला हुआ स्वरूप है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।